Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में जंग शुरू कर दी है, लेकिन वो जंग दिल्ली की सड़कों पे लड़ी जा रही है और दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना के खिलाफ। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में राजनिवास के ठीक बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। वोट आए हैं यहाँ पे और लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस इलाके को खाली छोड़ दिया जाए। कुल मिला के आज का प्रदर्शन इस लिहाज से हो रहा है कि दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन करने के कैंपेन के अप्रूवल की फाइल भेजी थी उपराज्यपाल के दफ्तर में और दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय का दावा है कि वो फाइल अभी तक क्लियर नहीं की गई। 28 तारीख से कैंपेन शुरू होना था और क्योंकि अप्रूवल एलजी ऑफिस की तरफ से नहीं आया, यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी प्रदूषण के खिलाफ ये जंग सड़कों पे लड़ रही है और यहाँ पे कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा वाटर कैनन्स लगाए गए ताकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो एलजी दफ्तर की तरफ नहीं बढ़ पाए। आज जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार वेरी पुअर कैटेगरी से सीवियर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है, तो उस वक्त राजनीतिक घमासान राजनिवास के ठीक बाहर शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं अपनी फाइल को पास करवाने के लिए। लगातार यहाँ पर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। दिलीप पांडे हमारे साथ है, प्रदर्शन लगातार जारी आप लोगों का। देखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश के सबसे बड़े जो छपास किंग है सक्सेना जी, उनको दिल्ली वालों की जिंदगी से प्यार क्यों नहीं है। दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली की आबोहवा को साफ करने की कोशिश कर रही है। उस कोशिश में एक कदम था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। एलजी साहब ने तानाशाही रवैया अपना के अधिकारियों पे दबाव बना के उस फाइल को रोक दिया। हम सभी लोग यहाँ पे, दिल्ली के हजारों लोग यहाँ पे एलजी साहब से, दिल्ली के देश के सबसे बड़े छपास किंग से यही पूछने आए हैं कि हमारी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप। दिल्ली की आबोहवा को साफ करने की दिल्ली सरकार की कोशिश को आप क्यों कुचलना चाहते हो। दिल्ली के अंदर काम धाम के नाम पे आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं होता, लेकिन सरकार कोई काम करती है आप उसको कुचलने के लिए पहली कतार में खड़े हो जाते हैं। आज यहाँ पे कुछ 1000 लोग आए हैं, एलजी साहब से आग्रह निवेदन करने की इस फाइल को समय से पास कर दीजिए। न होने की स्थिति में कुछ दिन बाद दिल्ली के लाखों लोग जिनको अपनी अपने बच्चों की जान प्यारी है, जो साफ दिल्ली में सांस लेना चाहते हैं, एलजी साहब के चौखट पे खड़े होके और यही सवाल पूछ रहे होंगे। बीजेपी का कहना है कि जो फाइल 28 तारीख की आप मांग कर रहे हैं, दरअसल उसकी तरफ के लिए 31 तारीख के लिए कहा गया था। देखिए, बीजेपी और दिल्ली के एलजी साहब, इन दोनों के अलग अलग सवाल नहीं है, एक ही एजेंडा है, दिल्ली वालों की ऐसी तैसी करना, उनकी जिंदगी में बेड़ा गर्क करना, उनका सत्यानाश करना। 31 तारीख को जब डेडलाइन निकल जाएगी तब पास करके क्या कर लेंगे, पहले पास करें। सरकार का काम होता है काम जल्दी करना, तैयारियों में समय लगता है, लेकिन वो न करके एजी साहब सीधा सीधा ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे दिल्ली वालों के जान की परवाह नहीं है, मुझे खाली अपना चेहरा चमकाने की परवाह है, अखबार में छपने की परवाह है। दिल्ली के हजारों लोग आज यही इसी सवाल को लेकर इकट्ठा है कि भाई साहब ये कैंपेन ऑन करिए, हमारे बच्चों की जान हमें प्यारी है, अगर आपको नहीं प्यारी तो हमें प्यारी है, इस कैंपेन को रोल आउट करिए।